सुनते मुझे बता चुके हैं तुम्हारे एक्स इन लॉज। अब सोचो अगर वही करतूत मैं लेके चली गई रीना भाभा के पास, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा? क्या हुआ भाभी, कहाँ खोई हैं आप? तुम ये दूध लेकर जाओ, मैं आती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी। मैं निमरा की सास हूँ, असल में मुझे निमरा के बारे में सब कुछ मालूम करना है, इसी वजह से मैंने इन लोगों को जहमत दी है कि आपको मेरे घर लाएं। आपने क्या बात करनी है मुझसे निम्मो के हवाले से? पूछे। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, उस लड़की से मेरा ना कोई अब ताल्लुक है ना कोई वास्ता। बदबख्त ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे शौहर को खा गई, बेवा कर दिया उसने मुझे। मुझे बहुत अफसोस है ये सुनकर, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे निमरा के बारे में सब कुछ बताइए। वैसे तो इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप निमरा की मुमानी हैं, आप ही ने उसको पाला है। आपान की जान इस वक्त खतरे में है जिससे निमो की शादी हुई है, प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं आपके किस काम आ सकती हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? खाला बताएं ना रोशनी मैडम को निम्मो के बारे में कि जो वो ख्वाब देखती है, जिस शख्स को ख्वाब में देखती है वो शख्स मर जाता है। हाँ आखिर चच्ची सास है ना, भतीजे से बहुत प्यार करती है, अपने भतीजे को उस चुड़ैल से बचाना चाहती है वो। बिल्कुल बताओ ना खुल के। हाय अल्लाह मैडम क्या बताऊं मैं आपको, कसम से अल्लाह झूठ ना बुलवाए। ऐसी लड़की जिसको भी ख्वाब में देखती है वो इस दुनिया से चल बसता है। अब मुझे लग रहा है कि बारी बारी आप लोगों को भी ख्वाब में देखेगी और आप लोगों को भी मार देगी। हाँ हम सबको ऐसे ही तो बर्बाद किया उस जालिम ने। देखें आपको ये सारी बातें फिर से करनी पड़ेंगी, हो सकता है मैं आपको फिर अपने घर बुलवाऊं। ये सारी बातें आपको मेरी भाभी मतलब निमो की जो सास है उनके सामने करनी पड़ेंगी, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ हम वो बिल्कुल आएंगे, बल्कि हम साथ में खाला को भी ले आएंगे। हाँ आखिर इस निमो का ना खात्मा करना ही पड़ेगा, वरना एक एक करके सबकी जान खा जाएगी वो। ठीक है मिस्टर ज़ियान साहब, मिसेज रीना के तो आपने साइन ले ही, बस आप मुझे 14-15 दिन दे दें ताकि मैं इसको फिर प्रोसेस में डालूं। ठीक है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज सर जल्दी, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए। डोंट वरी ज़ियान साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारा काम तो हो गया, बस अब फॉर्मेलिटीज हैं। ठीक है बस ज़रा ख्याल से ख्याल होता है, फिकर ना करें। ज़ियान सिकंदर को अपने दोस्तों की दोस्ती और दुश्मनों की दुश्मनी निभानी आती है, और आप तो हमारे बहुत खास हैं, बल्कि दोस्त हैं, तो आपका तो मैं बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है आई हैव टू गो नाउ, मिलते हैं। अच्छा बस एक बात याद रखिएगा कि ये फाइल जो है ना ये सिर्फ टेम्प्रेरी है, अगर मिसेज रीना को पता चल गया ना तो फिर इस फाइल की और इस साइन की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि मिसेज रीना की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी किस किस नाम से रजिस्टर्ड है, और ये पेपर तो हमने सिर्फ कंपनी के लोगों को धोखा देने के लिए बनाया है। ठीक है आई अंडरस्टैंड, ओके थैंक यू।
किन सोचू मैं गुमो? वो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैंने सोचा कि पौधों की कटिंग हो जानी चाहिए, बस इसीलिए। चेंज तो हो रहा है मौसम, और भी बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं बहुत जल्दी। आंटी क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ साफ कहीं पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? ठीक कहा तुमने, लेकिन बहुत कुछ साफ साफ दिखने लगेगा बहुत जल्दी। जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं क्यों तुमसे पहेलियां बुझवाऊं? हाँ, तुम तो खुद एक इतनी बड़ी पहेली हो जो कि मैं खुद सॉल्व करूंगी। क्या करने लगी है रोशनी आंटी? मेरे अल्लाह, मेरी और मेरे अब्बा की हिफाजत फरमा। हेलो, अब तो टाइम ही नहीं मिलता आपको हमारे लिए। भूलना है जनाब, हम आपको भूले ही कब थे जो याद करेंगे। आप तो अबान की धड़कन है, अबान का दिल है। अच्छा जी, ये इमोशनल डायलॉग्स बस, अब जब घर आएंगे ना, घर आके बात करना। अभी मैं शायान को देख रही हूँ। बिजी मतलब अब अबान के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है? वाह भाई वाह, ये भी ठीक है। अरे अबान, तुम भी ना, मजाक कर रही हूँ। निमो हम अभी आए। मुश्ताक जरा गाड़ी रुकेगा प्लीज। हेलो अबान, कोई जरूरत नहीं है बैलून लाने की, आप बस जल्दी से घर आ जाएं। हेलो हेलो अबान, अबान हेलो, काम हो गया। गुड, अब फौरन वहां से निकलो, किसी की नजरों में मत आना, और हाँ अपनी गाड़ी कुछ दिन के लिए गायब कर दो। हेलो मैडम, मैडम मैडम मैडम, वो क्या हुआ मुश्ताक, बताओ रो क्यों रहे हो? मैडम अमर बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। मैडम क्या कहाँ तुम लोग? मैडम हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। Mom? Mom? Mom, Mom? क्या हुआ निमरा? Mom, 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 अब आपका एक्सीडेंट हो गया।
बोल रही हो तुम निम्रा? अगर अबान को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे ख्याल से मैं फौरन हॉस्पिटल जाती हूँ। एंड बड़ी मॉम, फिक्र नहीं करें, अबान को कुछ नहीं होगा। ओके चलो चलो चलो। आप अपनी शायान का ख्याल रखिए। जी मैडम, आप अस्पताल जाइए, मैं हूँ शायान बाबा के पास, और अल्लाह ने चाहा तो अबान बाबा को कुछ नहीं होगा। इसे आप मौजा ही समझे मिस हीना, कि अबान की जान बच गई, वरना जिस तरह इनका एक्सीडेंट हुआ इस केसेस में पेशेंट की जान बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा इनकी इंजरीज को? एक से दो हफ्ते, दो से तीन महीने लग सकते हैं, फिलहाल ये चल नहीं सकेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डोंट वरी मैडम, अबान ठीक हो जाएंगे, बोन्स डैमेज हुई है, वो बहुत जल्द रिकवर हो जाए। अबान ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा था ना, आप क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पता नहीं हमारी अबान की जिंदगी में इतनी तकलीफ है क्यों। अभी एक बात कहूं, ये एक एक्सीडेंट नहीं था और ना ही एक इत्तफाक था। क्या कह रही हैं रोशनी आप? ये कैसे हो सकता है? कौन करेगा ऐसा? निम्रा। निम्रा ऐसा क्यों करेंगी? वो तो अबान से बहुत प्यार करती हैं। मैंने निम्रा को देखा है अबान के लिए तड़पते हुए। निम्रा के काले साए हैं ये, उसकी नहुसत के असरात हैं ये, जो अबान आज मौत के मुंह में पड़ा है। रोशनी, फॉर गॉड्स सेक, डोंट स्टार्ट अगेन। कि वक्त इन सब बातों का नहीं है। यही तो वक्त है इन बातों का। आज मेरा अबान जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा है, अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है। लेकिन अगर निम्रा का ख्वाब जीत गया ना तो अबान अपनी सांसें हार देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे पछतावे के सिवा। रोशनी प्लीज मत करें इस तरह की बात। एक ख्वाब में कोई सच्चाई नहीं होती है, ये सब वहम है, कहानियां है सब। भाभी यही तो असल बात है, किसी के ख्वाब सच हो ना हो लेकिन उस निम्रा के ख्वाब सच होते हैं। वो जिसको ख्वाब में देखती है इस दुनिया से चला जाता है, और मुझे पक्का यकीन है कि निम्रा ने ये एक्सीडेंट ख्वाब में देखा है। खुदा के वास्ते मेरे अबान को बचा ले, वो नागन मेरे बच्चे को डस रही है। सब गिर है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप लोग कौन हैं और क्यों मिलना चाहते थे हमसे? वो मैं निमो की एक्स नंद हूँ। हाँ रोशनी, हमने आपको मना किया था ना, लेकिन आप बाज नहीं आई। क्यों बुलाया है आपने इन्हें यहाँ? बात सुने मैडम, आज आप जिस अजियत से गुजर रही है ना, आज से चंद साल पहले हम इसी अजियत से गुजर चुके। क्या बताएं आपको, ये लड़की कितनी काले साए वाली है। अरे मैं तो माँ हूं ना, इसलिए आपको आकर बताने बैठ गई। अरे इसके मनहूस साए के आगे ना हम कमजोर पड़ गए। क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकती किस अजियत से गुजरे हो। अच्छा वो सॉरी मैडम, अम्मी कुछ ज्यादा ही इमोशनल। हाँ। वो क्या है कि निम्मो ने बहुत जुल्म किए। हाँ। और हमारे सारे घर की खुशियां भी छीन के चली गई। हाँ। Enough, please. क्या कह रही है? चुप तो रहो। रोशनी इन्हें यहां से चलता कीजिए। हाँ? आपने हमारी बातों पे एतबार नहीं करना तो मत करें। हम तो आपको उन चोटों से बचाने आए थे जो चोटें हमने निम्मू की वजह से खाई, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि नहीं, निम्मू ने अपना सब दिखा दिया। अरे मुमानी है निम्मू की, उसकी डसी नहीं है ये जख्म खाए नहीं है बेचारी। उनके घर से निकलते निकलते भी ना मनहूस मारी मामू को खा गई। हाँ हड़प कर गई पूरा का पूरा। चल बसे बेचारे, चल बसे बेचारे आए मामू। अरे इसीलिए तो तलाक भी मेरे बेटे ने, बहुत मासूम है मेरा बच्चा, मुझे देख के हमको अंदाजा हो रहा होगा ना। बस करे, संभाले खुद को। भाभी खुदा के वास्ते बचा लीजिए हमारे अबान को, ऐसा ना हो कि इन लोगों की तरफ हमारे पास भी रोने के सिवा कुछ ना बचे। मैडम मैं आपको बताती हूँ, निम्मो बचपन से ही ख्वाब देखती है, जिसको भी ख्वाब में देखती है ना वो इस दुनिया से चल बसता है। पहले माँ बाप को ख्वाब में देखा उनको खा गई, फिर बहन को ख्वाब में देखा उनको खा गई, फिर मामू को ख्वाब में देखा बेवा कर दिया मुझे, सबसे बेवकी की जिंदगी गुजार रही हूँ। ये ना हो कि अब आपको भी रोना पड़े, आपके बेटे को भी। हाँ बेचारी है मुमानी, बेवा हो गई थी तो बेचारी जवानी में। रोशनी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज डॉक्टर्स ने अबान को डिस्चार्ज करना है। हाँ मैडम जाइए जाइए, अपने घर की खुशियां वापस लेकर आए, उस कमबख्त निम्मो को ना वही के वही निकाल दीजिएगा। अरे ये ना कहीं आपका बेटा वही तय हो जाए। मैं चली गई हूँ। चलो हाँ ना, अच्छा चलो कहीं ना पक्का गई गई गई। हाय सही थी मैडम एक्टिंग, सही बोला ना हमने। गुड, बहुत अच्छा है। अब तो निम्मो गई, बहुत शौक था ना उसे रोशनी से टक्कर लेने का, अब जब रीना खुद उस निम्रा को सड़क पर उठाकर फेंकेगी तब मजा आएगा। जो वादा किया था पूरे हैं। अब मुझे दे दो। क्या हो गया? आई दी तो बाद में लेते हैं। नहीं ना, मेरे पास सेफ है। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो 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 आओ। उठ गया ये रॉकेट बॉम्ब, अल्लाह की कसम ये तो अपने पागल बाप से भी ना 10 हाथ आगे।
कमाल करती हो रोशनी, छोटा बच्चा है ऐसा नहीं कहते, कुछ तो लिहाज कर। अच्छा मैं ही सबका लिहाज करूं ना, मेरा तो लिहाज मैं खाली मेरे मरने के बाद ही होगा। अरे अरे ये क्या मरने मारने की बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। अब तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, बल्कि तुमसे पहले मुझे कुछ हो जाए। मरे मेरे दुश्मन, जाके देखती हूँ उसे। रोशनी बेगम, जी मॉम आपने बुलाया। बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जी मॉम कहिए। हमें आपसे ये कहना था कि जब तक अबान ठीक नहीं हो जाते आप उनके रूम में नहीं जा सकती, आप समझ रही हैं ना। मॉम ये आप क्या कह रही हैं, अबान को इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है, मैं उनको ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ। अबान को आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपसे जो कहा जा रहा है सिर्फ वो ही कीजिए, उनका ख्याल रखने के लिए हम हैं उनके पास, आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। आप शायान को लीजिए और किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए, हम फरजाना से कहकर आपकी जरूरत की चीजें वहां भिजवा देंगे। लेकिन जब तक आपसे कहा ना जाए आप आबान के रूम में नहीं जा सकते। मॉम अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दें। मॉम मैं आबान को क्या जवाब दूंगी, मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल सकती ना। अबान को जो कहना होगा वो हम कह लेंगे, आपसे जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना कीजिए। रोशनी जी भाभी, अबान के सारे काम आप देखेंगे, उनकी मेडिसिन, उनकी थेरेपी, एवरीथिंग। जी जी भाभी, मैं बिल्कुल अबान का बहुत अच्छे से ख्याल करूंगी जैसे हमेशा करती आई हूँ। मॉम मॉम अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप प्लीज मुझे सजा दे दें, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत, अबान को शायान से अलग मत करें प्लीज मॉम। मॉम मुझे मुझे अबान की नजरों से मत गिराएं। हमने जो कह दिया सो कह दिया, जो कहा जा रहा है उस पर अमल कीजिए, दोबारा ना कहना पड़े। लेकिन मॉम जुल्म हो गया और इतने सारे आंसू, अभी तो शुरुआत है निम्रा बहू। ये आग आपकी लगाई हुई है ना, क्या कहा है आपने मॉम को? मैंने जो भी कहा है लेकिन तीर एकदम निशाने पर लगा है ना। मेरा वादा है तुम्हें जहां से उठाकर लाया गया है ना वहीं उठाकर फेंकूंगी। भूल है आपकी, आप मुझे अबान से दूर तो कर सकती हैं लेकिन अलग नहीं कर पाएंगी।
इतना गुरूर उस पागल की मोहब्बत पे? तो तुम्हें याद भी नहीं रखेगा, कुछ वक्त तो गुजरने दो। वो पागल आपको बताएगा कि मेरी उसकी जिंदगी में क्या जगह है। और एक बात याद रखिएगा, माजी में जो ये सब आप करती आई है ना, मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाँ? क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? हाँ? बता मुझे क्या करेगी तू? आज तुझे कमरे से निकाला है ना, कल इस घर से निकलेगी तू, देख लेना। निम्मो कहाँ है? कितनी देर हो गई है, आप शयान को भी साथ नहीं लेके आए? कैसा है? ठीक है वो? मैंने देखा ही नहीं उसको इतने दिनों से। बिल्कुल शयान, बिल्कुल ठीक है। वो नीचे ताहिरा आई हुई है ना, इस वजह से निमरा उसके साथ बैठी हुई है, कुछ बातें डिस्कस कर रही है। निमरा ने तो मुझे कहा है कि तुम्हें आके मैं खाना दे दूं। मैं निम्मो के हाथ से ही खाना खाऊंगा। बेटा क्यों जिद कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि निमरा बिजी है, और वैसे भी उसको उतने और ज्यादा काम है, शायान को भी तो देखना है ना उसको। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। हाँ फरजाना जी, निमरा को बुला के लाइए, उनसे कहिए डिनर ठंडा हो रहा है, खा लें आके। मैडम निमरा भाभी ने कहा था कि कोई उनके कमरे में ना आए, मैं दोपहर को भी खाना लेकर गई थी, उन्होंने वापस भिजवा दिया। देखा भाभी कितनी बदतमीज़ है वो लड़की, तो आखिरकार जिस बैकग्राउंड से आई है मुंह उठाकर वही तो रंग दिखाएगी ना वो। अरे रोशनी कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं कहते। निमरा अबहान को लेके परेशान है, ठीक हो जाएगी। भाभी आप कहें तो मैं बुला कर लाऊं? नहीं सिकंदर, आप डिनर कीजिए, अगर निमरा को नहीं आना तो इट्स ओके। बेटा ये सैलेड पास कीजिए। Aban, how are you feeling now, beta? Mom, Nimra aur Shayan kahan par hai? Aban, Nimra, wo Aban, Nimra jo hai na, Tahira ke hostel gayi hai asal mein. Wo jo NGO ka hostel hai na, wahan pe koi zaruri kaam tha. Lekin subah tak aa jayegi, don't worry. Can't believe this. निम्मो ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ के जा सकती।
बेटा निम्रा आ जाएगी, डोंट वरी, लेकिन इस कंडीशन में आपका स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको ज्यादा पेन होगा। और निम्रा को जरा एहसास नहीं हुआ कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मुझे अकेला छोड़कर चली गई वो। मैं अब उसे कभी बात नहीं करूंगा। क्या बात है आंटी, आपने किस तरह दूध में से मक्खी की तरह उस निम्मो को निकाला है। अभी कहा, अभी तो इस रीना हाउस से निकालना है, फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो भी हो जाएगा के बेटा, घर से निकालना तो आसान काम नहीं है। आप लोगों ने देखा नहीं वो पागल अबान को कैसे प्यारी निम्मो करके बात कर रहा था। वो भी हो जाएगा, तुम देखते जाओ मैं कैसे पत्ते फेंकती हूं और जीत मेरी। क्या बात है आंटी, आप तो वाकई जीत गए। हारना तो मैंने सीखा ही। देखा मेरी स्ट्रैटेजी। निम्मो बचपन से ही ख्वाब देखती है, जिसको भी ख्वाब में देखती है ना वो उस दुनिया से चल बसता है। ये ना हो कि अब आपको भी रोना पड़े, आपके बेटे को भी। सॉरी अबान बेटा, हम आपकी जिंदगी को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते। निम्रा को आपसे, इस घर से और आपकी जिंदगी से दूर जाना होगा। ये शायान के पापा हैं। अब शायान आप दुआ करें कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। या अल्लाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। निम्रा हमारे अबान की चाहत है, हम कैसे उसे अबान से अलग कर सकते हैं? और शायान, शायान को कैसे खुद से अलग कर सकते हैं? निम्मो, निम्मो कहो, निम्मो, मॉम, निम्मो कहो तुम, निम्मो, निम्मो, निम्मो। अबान, क्या हुआ है अबान? मॉम, ऐसा क्यों कर दिया? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? निम्मो कहाँ है? एक हफ्ता हो गया मैंने निम्मो को नहीं देखा, शायान को नहीं देखा। मॉम,
वो है कहाँ पे, मुझे इतना बता दे या मुझे जाने दे। ओके रिलैक्स, इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप? टेक इट इजी बेटा, इस हालत में आप कहाँ जाएंगे? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ है मेरी निम्मो, कहाँ है मेरा शयान? क्यों नहीं मिलने दे रहे? क्या किया ऐसा? निम्मो मुझे हमेशा बोलती थी, वो डरती थी। क्या कहती थी बेटा, क्या कहती थी निम्मो? निम्मो मुझे हमेशा कहती थी उसको डर लगता था, वो डरती थी कि आप लोग कहीं हम दोनों को अलग ना कर दे या मैं उसको छोड़ के ना चला जाऊं कहीं। वही हुआ मॉम, वही हुआ। अच्छा अच्छा प्लीज आप रिलैक्स करें, हम निम्मो से बात करते हैं, फोन करते हैं। देखो अबान, अगर निम्रा को तुम्हारा इतना एहसास होता तो इस तरीके से तुम्हें छोड़ के ना जाती वो। इससे तो अच्छा होता अबान मर ही जाता, क्योंकि अबान निम्मो के बगैर नहीं रह सकता। अबान ऐसी बातें मत करो बेटा, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? जाए आप लोग प्लीज यहां से चले जाए, मुझे नहीं आप लोगों की जरूरत। जस्ट गो।